हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेयर थ्री एजुकेशन। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, विच इज़ लर्निंग एंड एक्विजिशन। ठीक है, तो आज के सेशन का हम पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस तरीके से ये सेशन पूरा हमारा दो जैसे कि 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। इसमें हम जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज को किस तरीके से एक्वायर किया जाता है और किस तरीके से लर्न किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लैंग्वेज के 2 फॉर्म होते हैं, या तो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं या फिर लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि सेशन में हम क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैंग्वेज क्या होती है, इसकी कुछ डेफिनेशंस दी गई है। इंग्लिश के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इंग्लिश कहाँ से आई है, किस जगह इंग्लिश को किस तरीके से कंसीडर किया जाता है। फिर हम देखेंगे L1 क्या होता है, L2 क्या होता है। फिर हम इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। देन हम डिफरेंस देखेंगे कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। देन कुछ क्वेश्चन जिस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, तो किस तरीके के क्वेश्चन इस टाइप के जो दिया हुआ है टेबल से जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देन हम देखेंगे कि लर्निंग अ लैंग्वेज वर्सेस एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन, उसके कुछ फीचर्स, देन उसके कुछ क्वेश्चन और L2 क्या होता है। इस तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो एक्विजिशन वाला जो चैप्टर है, लैंग्वेज एक्विजिशन वाला, अलग अलग वैरायटी के यहाँ पर अप्रोक्स या फिर मान सकते हैं कि 40+ क्वेश्चन जो है अकेला ये चैप्टर जनरेट कर लेता है। हर बार एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन, इवन 3 से 4 क्वेश्चन भी कभी कभी एग्ज़ाम में बन जाते हैं इससे, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस आती है, बहुत सारी थ्योरीज आती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या क्या स्टेजेस हो सकती है लर्निंग की। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 क्वेश्चन यहाँ पर है और अप्रोक्स 20 क्वेश्चन जो है हमने टॉपिक के साथ साथ अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम सबसे पहले बेसिक सी चीज़ जानेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है, एक्विजिशन क्या होता है और लर्निंग क्या होती है। सबसे पहले लैंग्वेज यानी कि भाषा। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि लैंग्वेज को हम या तो एक्वायर कर सकते हैं, एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, भाषा को ग्रहण करना, और लैंग्वेज लर्निंग मतलब लैंग्वेज को सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है और एक्विजिशन का मतलब होता है ग्रहण करना। ठीक है, तो अब आपसे यही पूछा जाएगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी बार जो होता है डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो ये जो रेड पेन से हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं, रेड मार्कर से, वो ये सारी चीज़ें बताती है कि इस तरीके के फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहली चीज़, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। लाइक मैं TV ऑन कर रही हूँ तो मैं किसके थ्रू कर रही हूँ, रिमोट के थ्रू कर रही हूँ। तो रिमोट मेरा क्या हो गया, एक सिस्टम हो गया, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्वेंसी सेट की हुई है, वो चैनल को चेंज करने की कैपेसिटी रखता है, उसके अंदर मल्टी प्रोग्राम है। ठीक है, TV एक मेरा पूरा सिस्टम हो गया जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी चेंज होने पर चैनल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, तो वो एक सिस्टम हो गया। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है, लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, एक्विजिशन, मेंटेनेंस एंड अ यूज़ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक प्रकार का सिस्टम होता है जो कि कंसिस्ट करता है, ठीक है, जो अपने पास रखता है कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, चलो एक ग्रामर का रूल भी हमको मिल गया, कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ लगता है। ठीक है, कंसिस्ट के बाद यदि आपसे प्रीपोजिशन पूछा जाए तो कंसिस्ट के बाद ऑफ लगता है। ठीक है, अभी हम हमारे वापस पैडागोजी पर आ जाते हैं। लैंग्वेज इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, जिसके अंदर डेवलपमेंट हो, जिसके अंदर एक्विजिशन हो, ठीक है, ग्रहण करने की कैपेसिटी हो, मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस होता है यानी कि रख रखाव, एंड यूज़ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक प्रकार का सिस्टम है जिसके अंदर डेवलपमेंट हो, एक्विजिशन हो, मेंटेनेंस हो, और जिसका हम यूज़ कर सके, प्रयोग कर सके कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में। लाइक मुझे किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन करना हो, कैसा भी हो, ईजी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, बस हम उसको लैंग्वेज को वहाँ पर अच्छे तरीके से सही वे में फ्लुएंसी के साथ प्रयोग कर पाए। तो यही एक लैंग्वेज की डेफिनेशन है। अभी हम जैसे इसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा गया है। अब क्या होता है, ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद एक चीज़ आती है हमारी डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन पूछ दी जाती है कि एलन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू एलन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू एलन, लैंग्वेज प्रिफर्स टू, लैंग्वेज इज अ सोशल एक्टिविटी। लैंग्वेज एक तरीके की सोशल एक्टिविटी होती है, रेदर देन अ मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, लैंग्वेज इज अ सोशल एक्टिविटी रेदर देन मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। ये किसने बोला है, ये भी पूछा जा सकता है।
तो ये स्टेटमेंट दिया गया एलन के द्वारा, लैंग्वेज इज़ अ सोशल एक्टिविटी रेदर देन मीनिंग ऑफ अ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन। दो चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर हो जाती है, लैंग्वेज क्या होता है और लैंग्वेज की जो डेफिनेशन एलन के द्वारा दी गई है वो क्या है। इन्होंने बोला है कि लैंग्वेज एक तरीके की सोशल एक्टिविटी है, जैसे कि नॉर्मल हम मानते हैं कि दो पीपल हैं, ठीक है, दो लोग हैं हमारे पास। अब ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन करने के लिए मिनिमम कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, तो मिनिमम टू लोग चाहिए होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो ये एक सोशल एक्टिविटी होती है रेदर देन मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ एक्सप्रेशन, तो ये इन्होंने डेफिनेशन दी है एलन ने। अब आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो आप पढ़ते हैं बचपन से उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो जनरेट कहाँ से हुई है, ठीक है, तो इट फॉलोज द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन फैमिली को इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग करती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इट फॉलोज़ द इंडो यूरोपियन फैमिली। अब इंग्लिश इज़ कंसिडर, इंग्लिश को किस किस तरीके से कंसिडर किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंग्लिश तो एक फॉरेन लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश के अलग अलग तरीके से कंसिडर किया जाता है। इंग्लिश को एज अ नेटिव लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। अब नेटिव का मीनिंग क्या होता है, नेटिव का मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है, जैसे कि ग्रामीण भाषा हम बोलते हैं ना, तो इंग्लिश किसी किसी के लिए ग्रामीण भाषा होती है, जैसे कि फॉरेन में जो लोग रहते हैं, जैसे कि अमेरिका में लोग लेते हैं, जब वहाँ पर बच्चों का जन्म होता है तो वो जन्म से ही इंग्लिश भाषा सीखते हैं, जैसे हम हिंदी भाषा सीखते हैं, तो वो उनके लिए नेटिव लैंग्वेज हो गई। हमारे लिए इंग्लिश को हम कैसे कंसिडर करते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में कंसिडर करते हैं, ठीक है, जैसे कि अब कोई भी आपसे पूछेगा आपको क्या क्या लैंग्वेज आती है, आप बोलेंगे आप मुझे एक मातृभाषा मेरी मदर टंग लैंग्वेज आती है, नेटिव लैंग्वेज आती है, साथ में मुझे एक फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश भी आती है। और इंग्लिश को बहुत सारी जगह सेकेंड लैंग्वेज भी कंसिडर किया जाता है, जैसे मणिपुर मेघालय आप उधर देखेंगे तो उनकी प्राइमरी लैंग्वेज जो है उनकी वहाँ की भाषा रहेगी, ठीक है, मणिपुरी रहेगी, और सेकेंड लैंग्वेज को वो हिंदी की बजाय इंग्लिश प्रेफर करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए वही लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, तो हम भी इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश को क्या क्या तरीके से कंसिडर किया जाता है, नेटिव लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज। अब बात करते हैं आगे कैरेक्टरिस्टिक, लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, लैंग्वेज एक मीडियम हो सकता है सिम्बोलिक, लैंग्वेज एक सोशल हो सकता है, सोशल बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन हो सकता है, और थर्ड है हमारा इंस्टिंक्टिव। अब तीन चीज़ें आपको याद रखनी है लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। पहला सिम्बोलिक, अब देखो लैंग्वेज सिम्बोलिक मीडियम के रूप में कैसे हम बोल सकते हैं कि कैसे इसको शो किया जा सकता है सिम्बोलिक, जैसे कि हमने कोई भी शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली जैसे कि एक छोटा सा शब्द मान लेते हैं कैट, ठीक है, तो लैंग्वेज क्या हो गया, जैसे कैट लिखा तो आपको समझ में आ गया कैट लिखा हुआ, कैट का मीनिंग होता है बिल्ली, तो ये एक सिम्बोलिक मीडियम हो गया, जैसे आपने यहाँ पर लैंग्वेज को लिखा आपको सिम्बोल के रूप में पता चल गया कि ये हमारी भाषा की बात हो रही है, मतलब कैट की बात हो रही है। सेकेंड यहाँ पर बात की जा रही है सोशल, एक सोशल इंटरकनेक्शन होता है दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट करवाना है तो एक सोशल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और इंस्टिंक्टिव, अभी इंस्टिंक्टिव कैसे हुआ, लाइक मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, एक क्या एग्जांपल लिया जाए कि मैं यहाँ पर गिर गई हूँ, ठीक है, मेरे हाथ में लगी है तो सडन मेरे मुँह से निकलेगा आउच या मुझे लग गई, तो वो जो एक मेरा रिप्रेजेंटेशन था मुझे लग गई या फिर मम्मी मुझे लग गई, इस तरीके का मैंने कुछ भी बोला, तो वो क्या बोला, मैंने लैंग्वेज को बोला, जो मेरी मदर टंग जो मेरी नेटिव लैंग्वेज थी उसी का मैंने यूज़ किया, तो एक इंस्टिंक्टिव, यानी कि इंस्टिंक्टिव का हिंदी मीनिंग बोले तो एक सडन, ठीक है, सडन मतलब अचानक से कोई भी रिएक्शन देना, ठीक है। तो लैंग्वेज किस तरीके से कैरेक्टराइज की जा सकती है, सबसे पहले सिम्बॉलिक वे में, ठीक है, सिम्बॉलिक होता है कुछ भी मैंने लिखा तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऑल ओवर दी वर्ल्ड या सब जगह इसी को कंसिडर किया जाता है। सोशल इंटरप्रिटेशन या बोल सकते सोशल इंट्रैक्शन का एक मीडियम हो सकता है। और थर्ड है हमारे पास इंस्टिंक्टिव, सडन हमारे मुंह से या सडन जो रिएक्शन हमारे निकलते हैं, जो भी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं वो हमारी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो तीन वे यहाँ पर हो गए, सिम्बॉलिक, सोशल और इंस्टिंक्टिव। उसके बाद बात करते हैं स्टेटस ऑफ अ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। अब पर्टिकुलर बात करते हैं कि इंडिया में आप इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे कंसिडर करते हैं, उसका क्या स्टेटस है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश को माना जाता है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश हमारे लिए क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडिया इंग्लिश है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज की सपोर्टिव लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश है, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश हो गई हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये चीज़ अब आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, इंग्लिश हमारे लिए क्या कहलाती है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने अभी तक बात कर ली लैंग्वेज क्या होता है, उसके बाद हमने बात कर ली एक्विजिशन, ठीक है, भाषा को ग्रहण करना और लर्निंग। अब ये फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज क्या होती है, इस चीज़ को हम सीख लेते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है कॉल्ड एज अ मदर लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज हमारे लिए क्या होती है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ फिर मैं आपके लिए जूम कर दूंगी। फर्स्ट लैंग्वेज क्या कहलाती है,
मदर लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स से, हम हमारी मदर से जो भाषा सीखते हैं वो हमारे लिए फर्स्ट लैंग्वेज होगी। सेकंड थिंग, नेटिव लैंग्वेज, ग्रामीण भाषा, क्योंकि वही भाषा हम सीखेंगे जहाँ पर हम रहते हैं, हमारी फैमिली नेबर वगैरह से। और नेचुरल लैंग्वेज, जब आपका जन्म होता है तो कोई स्पेशली आपको सिखाने नहीं आता है, आप लोगों से सुन सुनकर, फ्रेंड फैमिली पेरेंट्स वगैरह से सुन सुनकर जो सीखते हैं वो आपकी लैंग्वेज होती है L1, उसको बोला जाता है मदर लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज, और एक और बोला जाता है होम लैंग्वेज, क्योंकि एक प्रीवियस सीटेट के पेपर में होम लैंग्वेज नाम से भी क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे होम लैंग्वेज ही आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी, कॉल्ड इज अ टारगेट लैंग्वेज आफ्टर L1। L1 को सीखने के बाद यदि आप कौन सी भी भाषा सीखेंगे तो आप उसको क्या कहेंगे, L2 लैंग्वेज, क्योंकि उसको सीखने के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी बोल सकते हैं कि टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किसी स्कूल की मदद से, टीचर की मदद से, इंस्टीट्यूट की वजह से आप वो भाषा सीखेंगे तो वो आपके लिए कहलाएगी L2 लैंग्वेज। ठीक है, तो अब ये दो डिफरेंस आपको हमेशा याद रखने हैं, L1 मतलब आप आपके पेरेंट्स से जो भाषा सीखेंगे L1 कहलाएगी, और L2 सीखने के लिए आप कहीं बाहर जाएंगे, किसी की मदद से सीखेंगे, यूट्यूब वगैरह किसी की भी हेल्प से कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे, इट मे बी इंग्लिश, इट मे बी स्पेनिश, और इट एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है, फ्रेंच वगैरह कोई भी हो सकती है, तो वो आपके लिए हमेशा L2 कहलाएगी। और यदि आप पंजाबी, आपने बचपन से पंजाबी बोलना सीखा है तो आपके लिए L1 हो जाएगी। ठीक है, अब फर्स्ट लैंग्वेज के बारे में सीख लेते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज क्या होती है, इट इज़ अ पैसिव लर्निंग। ठीक है, पैसिव लर्निंग इसके अंदर होती है, पहले हम तीनों पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर एक एक को डिस्कस कर लेंगे। वी लिसन टू द पीपल अराउंड अस, देयर स्पीच, देयर साउंड, देयर वर्ड्स एंड देयर सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें बोल रहा है, सम पीपल नेवर लर्न हाउ टू रीड और राइट बट स्टिल स्पीक देयर फर्स्ट लैंग्वेज फ्लुएंटली। ठीक है, बहुत ही फ्लुएंटली वो उस लैंग्वेज को बोल पाते हैं। अभी हम बात कर रहे थे फर्स्ट लैंग्वेज की, यानी कि हम बात कर रहे हैं हमारी L1 लैंग्वेज की। अब देखो एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर समझने का ट्राई करते हैं। पहली बात तो ये, इट इज़ अ पैसिव लर्निंग। अब ये देखो, यहाँ पर हम सेकेंड लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि एक्टिव लर्निंग क्या होती है। तो हम पहले इन दोनों चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं अपने माइंड में कि एक्टिव लर्निंग क्या होती है और पैसिव लर्निंग क्या होती है। एक्टिव आपको समझ आता है कि एक्टिव रहना क्या होता है। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ यदि हमें समझ आ गई तो हम ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ को सीख पाएंगे। यहाँ पर बात हो रही है एक्टिव लर्निंग की। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप बिल्कुल एक्टिव रहकर और बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को सुन रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप ऐसा ही कर रहे हो। ठीक है, आप एक्टिव रहकर चीज़ों को सुन रहे हैं क्योंकि अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कैसे भी करके इस लैंग्वेज को सीखना है। ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको सीखना है क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जो आपकी आने वाली है उसमें ये सारी चीज़ें आएगी। ठीक है, यदि आप ऐसा एज्यूम करके चलते हैं तो आप कितने एक्टिव रहकर चीज़ों को सीखेंगे। चलो यदि आपको बोल दिया जाए कि आज के लेसन में जो जो भी पढ़ाया गया ये एज इट इज़ मैंने और पेपर मैंने ही बनाया है। ठीक है, आपका सीटेट का या जो भी टेट का एग्ज़ाम है वो पेपर मैंने ही बनाया, तो मैंने ही ये पूरा पेपर बनाया और ये इसी में से, इसी वीडियो में से सारी चीज़ें आने वाली, तो आप कितने एक्टिव रहकर चीज़ों को सीखेंगे क्योंकि आप एक भी नंबर मिस नहीं करेंगे। तो आपने एक्टिव रहकर चीज़ों को सीखा है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी, L2 हो जाएगी। और पैसिव कि हाँ चलो वीडियो आया है, आपको नोटिफिकेशन आया, आपने ऑन कर लिया, 2 मिनट देखा, फिर ऊपर देखा कि व्हाट्सएप पे आपका कोई नोटिफिकेशन आ गया, आपने व्हाट्सएप ऑन कर लिया, फेसबुक ऑन कर लिया, इंस्टा ऑन कर लिया, वहाँ से बोर हो गए तो फिर वापस वीडियो पे मूव कर लिया। तो आप किस टाइप की लर्निंग कर रहे हैं, आप पैसिव लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, एक मेन डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ एक्टिव और पैसिव के बीच में, जहाँ पर आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई एनर्जेटिक नहीं है आप चीज़ों को सीखने के लिए, बस हाँ चलो सीख लेते हैं, कभी एग्जाम में आ गया तो हम तुक्का मार देंगे, इस टाइप की यदि कोई लर्निंग होती है तो उसको बोला जाता है पैसिव लर्निंग। ठीक है, अब इसको इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी बात करते हैं पैसिव लर्निंग की। अभी मैंने पैसिव लर्निंग में बताया कि जहाँ पर आप चीज़ों को एक्टिव रहकर नहीं सीखते। अब जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट लैंग्वेज को सीखने के लिए रेडी होगा। ठीक है, L1 को सीखने के लिए रहेगा। ठीक है, उसको L1 सीखना होगी। अब दैट टाइम क्या होगा, उसको बोलना नहीं आता है। ठीक है, उसके कानों में बस आवाज़ जा रही है, बहुत सारी चीज़ें वो सुन भी रहा है और बहुत सारी चीज़ें वो सुन भी नहीं रहा है। ठीक है, ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि उसको समझ तो होती नहीं है दैट टाइम। तो इस टाइप की लर्निंग को बोला जाता है पैसिव लर्निंग। तो फर्स्ट लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तब किस वे में सीखते हैं, पैसिव में, क्योंकि हमें समझ कुछ नहीं आता है, बस हम चीज़ों को सुनते हैं और कभी समझते हैं कभी नहीं समझते हैं। इस टाइप की जो लर्निंग होती है वो कहलाती है पैसिव लर्निंग। और आई होप कि इस वीडियो को पढ़ते टाइम आप कौन सी लर्निंग कर रहे हो, एक्टिव लर्निंग कर रहे हो। ठीक है, तभी मेरा आज का जो पढ़ाना है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट हमको बोल रहा था, वी लिसन टू द पीपल अराउंड अस, देयर स्पीच, देयर वॉइस, देयर वर्ड्स एंड देयर सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ L1 में हम ऐसा ज्यूम करके चलते हैं कि छोटे बच्चे की ही हम बात करें, अपनी बात नहीं करें, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं। पैसिव लर्निंग वो कर रहा है जो चीज़ें उसके, मतलब जो भी वॉइस वगैरह है वो उसके कानों में जा रही है, सिर्फ वो ही सुन रहा है, वो कोई एक्टिव रहकर नहीं सीख रहा है। सेकेंड, जो भी उसके कानों में बात जा रही है, स्पीच, साउंड्स, वर्ड्स, सिर्फ उन्हीं को सुन रहा है, कुछ को नेगलेक्ट कर रहा है, कुछ को समझने की कोशिश कर रहा है।
तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हमको बोल रहा है सम पीपल नेवर लर्न हाउ टू रीड और राइट। अब ये देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई ओल्ड एज होंगे या आपके नियरेस्ट नेबर्स होंगे, काफ़ी ओल्ड एज होंगे जो कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है, जो कभी स्कूल नहीं गए बट वो स्टिल एल्वन लैंग्वेज को बहुत फ्लुएंटली बोल पाते हैं, बहुत फ्लुएंसी के साथ बोल पाते हैं। कैसे? क्योंकि वो सुन सुन कर सीख गए, वो तो कभी स्कूल नहीं गए। यदि हम उनको पेपर पकड़ा दें अभी हाथ में, मैं उनको पेपर दे दूँ कि चलो कोई बात नहीं आप हिंदी बोलते हो, आपको 30 मार्क्स का हिंदी का पेपर है, आपको 10 मार्क्स लेकर आने, तो उन्होंने अनाराम ये जो हमारी अल्फा अनाराम जो होते हैं ये उन्होंने सीखा ही नहीं अभी तक, तो वो कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना है और सुन सुनकर वो उस भाषा को सीख गए हैं। तो यहाँ पर यही पॉइंट बोला गया है कि सम पीपल नेवर लर्न हाउ टू रीड और राइट। उन्होंने नहीं देखा है कि उनको पढ़ा कैसे जाता है, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता, उनको लिखना नहीं आता, बट वो स्टिल अच्छे से भाषा को बोल पाते हैं, अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं हिंदी लैंग्वेज में या अपनी नेटिव लैंग्वेज में। तो ये भाषा होगी उनके लिए L1, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई तीनों पॉइंट, क्योंकि सारे डिफरेंस जो है यहीं से क्रिएट होना स्टार्ट होंगे। यदि एक भी लाइन आप मिस करते तो फिर आगे जाकर वही प्रॉब्लम आएगी कि L1 क्या था, L2 क्या था। सेकेंड लैंग्वेज की बात करते, एक टाइप की एक्टिव लर्निंग होगी, आपको बिल्कुल एक्टिव रहकर चीज़ों को सीखना होगा। उसके बाद वी नीड टू लर्न वोकैबुलरी एंड ग्रामर इन ऑर्डर टू अचीव गोल। अब यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप वोकैबुलरी सीखेंगे। वोकैबुलरी क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आपने जो भी गोल सेट किया हुआ है उसको अचीव करने के लिए। मोस्ट पीपल विल नीड एन इंस्ट्रक्टर आइदर अ टीचर एट स्कूल और द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ कोर्स बुक और ऑडियो कोर्सेज। अब आप क्या करते हैं, आपको फ्रेंच सीखने का शौक लगा है तो आप क्या करेंगे, ऑडियो कोर्सेज खरीदेंगे, ऑडियो बुक्स ले लेंगे, ठीक है, बुक्स ले लेंगे या फिर ऑडियो कोर्सेज खरीद लेंगे या फिर स्कूल की मदद से सीखेंगे या फिर कोई इंस्टीट्यूटर ले लेंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, ट्यूटर की मदद से सीख लेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, ये किसके थ्रू होगी, L2। यदि आप L2 सीखना चाहते हैं तो आपको इतनी सारी मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था L1 और L2 के बीच में, ठीक है। तो आज आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालते, बेसिक सी चीज़ें आज हमने सीखी है, इसके बाद धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या आज हमने सीखा है विद इन अ मिनट हम इसका एक रिव्यू ले लेते हैं। लैंग्वेज दो टाइप की होती है, लैंग्वेज को दो तरीके से किया जाता है एक्सेप्ट, एक तो एक्वायर किया जाता है और एक लर्न किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने लैंग्वेज की डेफिनेशन देखी कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ अ डेवलपमेंट एक्विजिशन मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। एलन ने डेफिनेशन क्या बताई है कि एक तरीके का सोशल एक्टिविटी, पूरा भी मत याद करो क्योंकि ऑप्शन में आपको मिलेगी, सोशल एक्टिविटी है न कि कोई इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ओरिजिन इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती है इंग्लिश। इंग्लिश को किस तरीके से कंसिडर किया जाता है, नेटिव लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज। उसके बाद हमने देखा लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो लैंग्वेज सिम्बॉलिक हो सकती है, सोशल हो सकती है और इंस्टेंटिव हो सकती है। इंग्लिश को इंडिया में क्या कंसिडर किया जाता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी हो गई, तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेज इंग्लिश कहलाती है। L1 और L2 क्या होता है, L1 जो मदर टंग लैंग्वेज होती है, होम लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज होती है और नेचुरल लैंग्वेज होती है। सेकेंड लैंग्वेज L2 क्या होती है, टारगेट लैंग्वेज होती है, और L1 के बाद जो भी लैंग्वेज आप सीखेंगे उसको हम L2 बोलेंगे। अब फर्स्ट लैंग्वेज की हमने बात करी थी, तो फर्स्ट लैंग्वेज पैसिव लर्निंग होती है L1, ठीक है, और जो भी हम पड़ोसी परिवार वाले फ्रेंड फैमिली से जो सीखते हैं विदाउट एनी इंस्टीट्यूशन और विदाउट एनी वोकैबुलरी L1 कहलाती है। चाहे इंसान इसको अच्छे से बोल ले बट ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो उसमें मार्क्स भी अच्छा ला पाए, ठीक है। और सेकेंड लैंग्वेज एक टाइप की एक्टिव लर्निंग होती है, इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, आपको सारी चीज़ें सीखनी होती है और किसी न किसी व्यक्ति की मदद से आप ये सारी लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया हमारा L1 और L2, या फिर बोले तो फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज के बीच में। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा इसके बाद का, कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन, एक बार ये सेशन इस अच्छे से देख लीजिएगा ताकि नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे तो उसके साथ ही हम इसके कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तो अभी हम कर लेते हैं। इंग्लिश बिलोंग टू द, ठीक है, जो अभी था आज हमने पढ़ा है उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इंग्लिश किसको बिलोंग करता है, तो एक ही आंसर है हमारे पास, इंडो यूरोपियन फैमिली को। तो पहला आंसर हम जैसे ही देखेंगे इंग्लिश किसको बिलोंग करता है तो हमें आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है लैंग्वेज इज अ, लैंग्वेज एक प्रकार का क्या होता है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि रिमोट, टीवी, सब हमारे क्या है, एक प्रकार के सिस्टम है। तो लैंग्वेज क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है दैट इज़ यूज टू मेंटेन, डेवलप और जितनी भी चीज़ें होती है उसको एक्वायर करने के लिए किया जाता है, ताकि हम क्या कर पाएँ, उसका यूज़ कर पाए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो लैंग्वेज एक प्रकार का सिस्टम होता है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट कर लिए और इसके बाद की जो भी चीज़ें पढ़ेंगी साथ के साथ हम उसके क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि इसी तरह आपको और भी सीरीज़ मिलती रहे।